वसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी। पेड़ पौधों में नए पत्ते आने लगे थे। हल्के गुलाबी रंग के, सफेद रंग के फूलों से रास्ते सजने लगे थे, महकने लगे थे। म्यूनिक में भी अब लोग हल्की जैकेट पहनकर जाने लगे थे। ऐसी ही एक सुहानी सुबह निहाल जॉगिंग करने के लिए इंग्लिश गार्डन गए। धीरे धीरे अब भीड़ बढ़ने लगी है और कुछ ही महीनों में इतनी बढ़ जाएगी कि सुकून का एक कोना तलाश करना भी मुश्किल हो जाएगा, निहाल ने सोचा। कुछ देर जॉगिंग करने के बाद निहाल इंग्लिश गार्डन की चंचल नदी के पास आकर बैठ गया, कुछ पल सुकून के चुराने के लिए। नदी के पास आकर बैठते ही उसे थोड़ी ठंड लगने लगी, तो जो जैकेट जॉगिंग करते समय कमर पर बंधा था उसे निकाल कर निहाल ने पहनने के बारे में सोचा। हाथ टांग कर निहाल जैकेट निकाल ही रहा था कि उसके हाथ में कुछ लगा। निहाल ने तुरंत पलट कर देखा तो देखा वहां पर एक किताब थी, डायरी जैसी कुछ, बहुत ही खूबसूरत। उस पर कुछ क्रिस्टल्स जड़े हुए थे। निहाल ने आजू बाजू में देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। किताब पर मोहित हुआ निहाल खुद को रोक नहीं पाया उसे खोलने से, और उसने खोला तो देखा वो बहुत ही खूबसूरत सा एक आर्ट जर्नल है जिस पर अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनी हुई थी, कभी पहाड़ों की, कभी नदियों की, कभी अपने भारतीय देश के गांवों की, खेतों की। ऐसा लग रहा था जैसे हर एक पन्ना अपने आप में एक कहानी सुना रहा था। निहाल बहुत ही प्रभावित था वो किताब देखकर। उसने दोबारा आजू बाजू में देखा लेकिन वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने और कुछ पन्ने पलटे लेकिन उन पन्नों में कुछ लिखा नहीं था, बस बहुत सारी खूबसूरत सी पेंटिंग्स थी। हाँ, पहले पन्ने पर कैलीग्राफी से नाम जरूर लिखा था, नेत्रा, सिर्फ नेत्रा। कौन है ये नेत्रा, किसकी आर्ट जर्नल आ गई निहाल के पास? नमस्कार, मेरा नाम है बीबल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है राब्ता। जैसे कि कहानी की शुरुआत सुनकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये कहानी निहाल और नेत्रा के बीच के राब्ता की है। कैसे दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से अनजान हैं। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको ये कहानी बांधे रखेगी। तो चलिए आपको इस कहानी के किरदारों से मिलाती हूँ। कुछ पलों के लिए नाम देखकर निहाल सोचने लगा, शायद नेत्रा नाम की किसी लड़की की कल्पना वो अपने मन में करने लगा। फिर दोबारा वो पन्ने खोलकर देखने लगा। किताब के आखिरी पन्ने पर एक लैंडलाइन नंबर लिखा था। निहाल ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और उस नंबर पर फोन किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। निराश होकर निहाल ने फोन दोबारा अपनी जेब में रख लिया। निहाल ने किताब बंद की और उस किताब को हाथ में लेकर सोचने लगा। कुछ पलों के बाद उसने किताब जैकेट के अंदर के पॉकेट में डाली और वहां से चलने लगा। वापसी पर वो देख रहा था कि क्या कोई लड़की हैरान परेशान होकर ढूंढ तो नहीं रही, लेकिन उसे ऐसा कोई भी नहीं दिखा। अगर आप म्यूनिक के इंग्लिश गार्डन नहीं गए हैं तो शायद आप नहीं जानते कि ये एक बहुत ही बड़ा गार्डन है, शायद विश्व का सबसे बड़ा गार्डन है। तो इस वजह से अगर कोई घूमते घूमते किसी कोने में आकर बैठ जाए उसी जगह को दोबारा जाकर ढूंढना मुश्किल हो सकता है। निहाल घर पहुंचा और जल्द ही ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा, लेकिन उस आर्ट जर्नल का ख्याल अभी भी निहाल के दिमाग से गया नहीं था। निहाल ने अपनी कार निकाली और वो ऑफिस के लिए निकला।
स्नेहाल को म्यूनिक में अब करीब 6-7 साल हो गए थे। उसने अपना इंजीनियरिंग भी स्टुटगार्ट जर्मनी के एक दूसरे शहर से किया था। कुछ साल स्टुटगार्ट में काम करने के बाद अब वो म्यूनिक शिफ्ट हो चुका था। निहाल के पिता बचपन में ही गुजर गए थे, कुछ सालों पहले उसकी माँ भी चल बसी। शायद यही वजह थी कि उसका अब भारत जाने का ज्यादा मन नहीं करता। कुछ दोस्त कमाए थे यहाँ पर उस दिन, लेकिन दोस्तों के सिवा उसे खुद के साथ रहना भी अच्छा लगता था। उसे पढ़ने में रुचि थी, सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर साइंस फिक्शन जैसी किताबें पढ़ना उसे अच्छा लगता था। अकेले में कभी कभार शायरियां लिखना भी उसे पसंद था। यूं ही कभी अकेले घूमना भी उसे अच्छा लगता था। नए और अनजान लोगों के साथ ट्रैक पर निकल पड़ता था, कुछ नए अनुभव और कुछ नए दोस्त बनाने। निहाल का फोन उसके कार के ब्लूटूथ से कनेक्टेड था। उसने दोबारा उस लैंडलाइन नंबर पर फोन करने की कोशिश की। अब की बार बस एक दो घंटे में ही फोन उठा लिया गया। एक औरत ने जर्मन में पूछा, गुड मॉर्निंग, वी दानिश सी हेल्पिन। वो नंबर कुंस्ट हाउस नाम के एक आर्ट गैलरी का था। निहाल ने सारा किस्सा उस महिला को समझाया। आर्ट गैलरी के ओनर ने उसे बताया कि नेत्रा नाम की लड़की वहां पर पेंटिंग्स रखती है ताकि उसकी पेंटिंग्स को कोई खरीदार मिल जाए। बातों-बातों में उसे ये भी पता चला कि कुंस्ट हाउस उसके ऑफिस के नजदीक ही था। निहाल ने उस महिला को सुझाव दिया कि वो आर्ट जर्नल उसके आर्ट गैलरी में रख जाएगा, फिर जब कभी भी नेत्रा दोबारा वहां आएगी तो वहां से कलेक्ट कर सकेगी। कुंस्ट हाउस की ओनर से अभी बात पूरी हो ही रही थी कि निहाल को एक कॉल वेटिंग में आया। निहाल ने अपना कॉल रखा और दूसरा फोन उठाया। दूसरी ओर से आवाज आई, ओए निहाल, नाश्ता किया क्या? नहीं आ रही हुई, लेकिन आज नहीं फिर कभी, आज वैसे ही बहुत लेट हो रहा है, निहाल ने दरखास्त करते हुए कहा। ओए आ जा, ओए, मैंने इंदौरी पोहा प्लेट में निकाल के रखा है और साथ में है अदरक वाली चाय, युवराज ने कहा। माने के जाने से पहले तेरे सपने में आकर तुझसे वादा लिया था कि मेरे बेटे को खिलाते पिलाते रहना, निहाल ने चिढ़ते हुए कहा। ऐसे ही कुछ समझ ले, अब आ जा चल, युवराज ने हाथ जताते हुए कहा। युवराज, युवराज की पत्नी प्रीत और निहाल तीनों ने इंजीनियरिंग साथ में किया था स्टुटगार्ट से। तीनों ही उसी वक्त से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। युवराज ने इंजीनियरिंग अपना पूरा तो किया, लेकिन उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। इंडियन इवेंट्स और गैदरिंग्स में छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट से शुरुआत की। बाद में जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो कुछ पैसे जोड़ कर उसने खुद का एक रेस्टोरेंट शुरू किया, मिट्टी दी खुशबू। धीरे धीरे उस रेस्टोरेंट का म्यूनिक में अच्छा खासा नाम होने लगा था। लेकिन युवराज की तरह प्रीत उसके साथ बिजनेस नहीं करती थी, वो निहाल की तरह ऑटो सेक्टर में काम करती थी। निहाल मिट्टी की खुशबू में पहुंचा। सुबह का वक्त था, शायद युवराज ने अपने अपने भगवान के सामने धूप चलाई होगी। धूप की सौंधी सौंधी महक से पूरी जगह महक रही थी। इंटीरियर्स में ट्रक के बड़े बड़े टायर से टेबल बनी थी, एक जगह पर खाट की बैठक थी और कुछ जगह पर फॉर्मल सीटिंग्स भी थी ताकि लोकल जर्मन्स को परेशानी ना हो। दीवार पर एक पीओपी से बड़ी सी आकृति बनी थी, जैसे ट्रक का बोनेट दीवार से बाहर आ रहा हो। वहां आते ही ऐसा लगे जैसे दिल्ली के किसी आलीशान ढाबे में पहुंच गए हो। ओए आ गया तू, युवराज ने पूछा। हाँ माँ, आ गया मैं, छेड़ते हुए निहाल ने कहा। ले पुत्र कुछ खा ले, सुबह से भूखा प्यासा होगा मेरा बच्चा, पलट कर युवराज ने दोबारा छेड़ते हुए कहा। वह दोनों हंसने लगे। यार इंटीरियर तो बहुत मस्त लग रहा है, पिछले बार जब मैं आया था तो ये ट्रक तो नहीं घुसा आ रहा था, इस बार क्या पंजाब से आते हुए ट्रक भी लेकर आया तो म्यूनिक, छेड़ते हुए निहाल ने कहा। प्रीत को इंस्टाग्राम पर कोई बंदा मिला था,
रहने को वो हाउसबोट में था, लेकिन यहाँ पर आकर उसने अपना सारा काम किया। बस अब कुछ पेंटिंग्स होनी चाहिए, देसी, ऐसा लगे जैसे पंजाब के किसी गांव में पहुंच गए, युवराज ने बताते हुए कहा। पेंटिंग्स? अच्छा, कहकर निहाल जैसे कुछ खो सा गया था। उसके ख्यालों पर ब्रेक लगाते हुए युवराज ने पूछा, तू जानता है क्या किसी को? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। वैसे मस्त लग रहा है ये ट्रक, प्रीत की पार्थी नजर पर शक था ही कम। तू बस खाने पर फोकस कर, एस्थेटिक्स तो हमेशा प्रीत का ही जिम्मा है। वैसे है कहाँ वो, तैयार नहीं हुई अब तक? हाँ हाँ, आई अभी आई, पीछे से एक आवाज ने जोर से पुकारा और जल्द ही प्रीत बाहर आई। चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहा है, और दोनों निकले। कार अभी 2 किलोमीटर भी नहीं चली थी कि प्रीत ने पूछा, कौन है वो लड़की? लड़की कौन सी लड़की? निहाल ने चौंक कर पूछा। जो शायद आर्टिस्ट है और जिसके ख्यालों में तुम खो गए थे, प्रीत ने पूछा। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर प्रीत, निहाल ने बात टालते हुए कहा। टॉपिक बदल मत, पता कौन है वो लड़की? प्रीत ने दोबारा से जोर देते हुए पूछा। अरे मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, कहते हुए निहाल ने सुबह का पूरा किस्सा समझाया। इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस गर्ल, छेड़ते हुए प्रीत ने कहा। निहाल अपने ऑफिस पहुंचा, उसने वो जर्नल अपने टेबल पर निकाल कर रख दी। आज का दिन भी रोज की तरह ही व्यस्त था, काम और मीटिंग में बटा हुआ था। इतना व्यस्त होने के बाद भी जर्नल ना उसकी आंखों से ना उसके मन से ओझल हुआ। शाम के 4:30 बज रहे थे, निहाल के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया, क्लाइंट 5 बजे एक मीटिंग करना चाहता है। निहाल का मन नहीं था वो मीटिंग करने का, लेकिन क्लाइंट को मना कैसे करे ये सोचकर वो तैयार हो गया। 5 बजे की मीटिंग काफी देर की थी, जिसकी वजह थी कि उनके प्रोग्राम में कुछ सीरियस रन टाइम इश्यूज आ गए थे। क्लाइंट यानी निहाल के केस में एक बड़ी सी ऑटोमोबाइल कंपनी की कार में प्रॉब्लम आ रहा था। प्रोग्राम की डिलीवरी डेट अब नजदीक थी। ये प्रोजेक्ट निहाल की कंपनी के लिए काफी क्रूशल था और इस प्रोजेक्ट पर निहाल का प्रमोशन भी टिका हुआ था। निहाल ने क्लाइंट को तो आश्वस्त कर दिया, लेकिन खुद चिंता में था। उसने अपने सबॉर्डिनेट्स की मीटिंग तुरंत बुलवाई और इस इशू को उनके साथ डिस्कस किया। प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा और डेडलाइंस अब इस वजह से कितनी प्रभावित होंगी, ये सब उस मीटिंग में डिस्कस हुआ। निहाल हालात से बहुत नाराज था, उसकी इस प्रमोशन के साथ काफी आस जुड़ी हुई थी, लेकिन प्रमोशन का ये सपना पूरा होने में अब थोड़ा सा वक्त था। ऑफिस के बाद निहाल आर्ट गैलरी कुंस्ट हाउस में पहुंचा। निहाल ने गैलरी में कदम रखा, क्या निहाल और नेत्रा मिलेंगे? कैसे मिलेंगे दोनों? जानने के लिए बने रहिए मीरा जाडियार के साथ। हाँ, अगर आपको ये भाग पसंद आया है, आने वाले भाग देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो अगली बार जल्द मिलूंगी मैं कहानी का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।